आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का जितना भी कंपाउंड है उसका हम लोग जानेंगे, उसका आईपीएसी नेम क्या होता है। पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका वैलेंसी 4 होता है और इसका बॉन्ड फॉर्मेशन 4 होता है। मैक्सिमम बॉन्ड 4 बना सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कैटिनेशन क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम विद द सेम एलिमेंट्स। इसको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कार्बन कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये किसी से भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे एक एक बना लिया मान के चलिए हाइड्रोजन से, और एक बना लिया कार्बन से, एक हाइड्रोजन से, इधर बना लिया हाइड्रोजन से, इधर बना लिया हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। और यहाँ पर जैसे ये जो लिंकेज हो रहा है कार्बन एटम का जो लिंकेज हो रहा है, और यहाँ पर जो लिंकेज हो रहा है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, यहाँ पर अगर कार्बन होता तो ये कार्बन से भी बॉन्ड बना लेता और ये लिंकेज चला चला जाता है। इसी को कैटिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ही एटम जो है वो लार्ज लार्ज बॉन्ड बनाता है और लंबा कंपाउंड बनाते चला जाता है सेम एलिमेंट्स का, तो इसे वो बोलते हैं कैटिनेशन। जैसे कुछ कुछ बताते हैं थी के बारे में। जैसे पहले समझा देते हैं रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। तो जैसे यहाँ पर 3 कार्बन है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक ऊपर गया कार्बन, एक नीचे आया, एक ऊपर गया, जिसे सॉरी, तो एक 3 कंपाउंड है, 3 कार्बन है, तो एक कार्बन ये वाला है, एक कार्बन ये वाला है, एक ये वाला है कार्बन, और इधर से हाइड्रोजन बनाएगा, एक इधर से हाइड्रोजन बनाएगा, एक इधर से बनाएगा। यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से लिंकेज आएगा, और यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, कुछ इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब जैसे इसको देखें, यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को बनाएंगे इसका थी, ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 कार्बन हो गया। एक कॉर्नर पर सब जगह कार्बन है, ठीक ना। अब जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बना दिए। हर जगह बना नहीं रहेगा, बस देखना है, इमेजिन करना है बस। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया। ऐसे लिंकेज होता है, और इसी तरह से रिप्रेजेंट करके हम लोग इसका नेमिंग समझेंगे, आईपीएससी नेमिंग कैसे होता है। इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन को। कॉर्नर पर कार्बन, कॉर्नर पर कार्बन है, ठीक ना। पहले समझते हैं नेमिंग ऑफ अल्केन, अल्केन का नेमिंग। पहले अल्केन क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो अगर n के जगह हम 1 रखें तो CN के जगह 1 रखें तो एक कार्बन और एक यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया CH4। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। इसको प्रोपेन बोलते हैं। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे समझिए कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है उसको अल्केन बोलते हैं, जहाँ पर 2 बॉन्ड होता है उसको अल्कीन बोलते हैं, जहाँ पर 3 बॉन्ड उसको अल्काइन बोलते हैं। पहले समझते हैं कि नेमिंग कैसे होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, क्या रूल है। तो पहला रूल है कि कार्बन का जो भी बॉन्ड रहेगा इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको सबसे पहले लॉन्ग चेन खोजते हैं, लंबा चेन कौन सा है। तो लंबा चेन ये वाला है, 1 2 3 4 5 6, लंबा चेन ये वाला है। अब जैसे इसको गिनते, 1 2 3 4
पाँच, इधर से पाँच ही आ रहा, इधर से भी पाँच आएगा, इधर से छः आ रहा है, तो लंबा चेन ये वाला हो गया। लंबा चेन ये वाला हो गया। ठीक ना। और स्क्रीन पर देखते हैं, और ये वाला ब्रांच, इसको ब्रांच बोलेंगे, इसको ब्रांच बोलेंगे। और दूसरा कंपाउंड देखिए, यहाँ पर लंबा चेन कौन सा है, तो पहले गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इधर से नौ आ रहा, इधर से गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तेरह चौदह, यहाँ पर चौदह आ रहा, यहाँ से यहाँ तक चौदह आ रहा, तो लंबा चेन ये वाला हो गया। लंबा चेन ये वाला हो गया। ठीक उसी तरह से इसको देखें, यहाँ पर लंबा चेन ढूंढना है। सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्ग चेन ढूंढना है, कौन सा लंबा कंपाउंड बना रहा है, कहाँ पर लंबा चेन बन रहा है। तो यहाँ पर ये वाला होगा, सबको दिख रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यहाँ पर बारह आ रहा। अब इधर से गिन लेते एक बार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यहाँ पर दस ही आ रहा, इधर से बारह आ रहा, तो यही होगा लंबा चेन। और जो भी साइड में बच जा रहा है उसको ब्रांच बोलेंगे, यानी कि प्रीफिक्स। अभी हम उसको बताएंगे क्या होता है। सेकेंड रूल है, इफ द कंपाउंड